नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, इसके आवेदन 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेंगे। इसकी ऑफलाइन पेमेंट आप 21 फरवरी तक कर सकते हैं, लेकिन वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने 17 फरवरी तक अपना चालान जो है डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें आपको अलग अलग जो है इनके जो ऑफिसर्स है आईबी के, उस हिसाब से सीट की जानकारी भी मिल जाएगी। तो यार टोटल जो है आप देख सकते हैं, अलग अलग टोटल 37 जगह जो है इसके भर्ती है, अलग ऑफिस है। और उसमें जो अगर आप टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 1525 सीट और एमटीएस के लिए जो है 150 सीट है। कुछ दिन पहले भी फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन अप्लाई ऑनलाइन का लिंक चालू नहीं हो पाया था, लेकिन इस समय फॉर्म का लिंक जो है चालू हो चुका है। यहाँ पे सेंटर वगैरह की जानकारी भी आपको दिख जाएगी, एग्जाम का पैटर्न वगैरह भी आपको दिख जाएगा, टीयर वन टीयर टू जो जो होना है, पैटर्न है, सिलेबस है, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म भरते हैं सीधा, हम आपको चलते हैं सीधा फॉर्म भरने में। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लिंक आपको बता दे, इसके अप्लाई करने का लिंक आपको सरकारीresult.com, रोजगारresult.com और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे हम आएंगे यहाँ पे, हम डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और स्टार्ट वाले बटन पे ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, देख सकते हैं फॉर्म को ये लोडिंग हुआ। लोडिंग होने के बाद आपको इसको बंद कर देना। आप इसको मोबाइल पे, डेस्कटॉप, लैपटॉप किसी पे भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। नेक्स्ट आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा ईमेल आईडी डालनी है। पूछ रहा है कि आप डिसेबिलिटी तो नहीं है। यहाँ पे आपको जो स्टेट है, किस स्टेट के जो है आप रहने वाले हैं, उस स्टेट का जो डिटेल देना है। जैसे मैं जो यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी कर दूंगा। यहाँ पे पूछा आप जो है किस जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यूपी में 3 ऑफिस है, लखनऊ, मेरठ और बनारस। तो यहाँ पे आप अगर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे तीनों की जो सीट है वो आपको दिख जाएगी, आप जिस भी रीजन के लिए डाल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बनारस में जो है 39 सीट है। इसी तरह अगर मैं लखनऊ देखूँ तो लखनऊ में 47 है, और मेरठ अगर देखूँ तो मेरठ भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मेरठ देखो तो मेरठ में 19 है। तो मैं जो है लखनऊ के लिए अप्लाई करता हूँ, लखनऊ, बनारस और मेरठ, 3 जगह ऑफिस है, उसमें आप जिसमें डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने लखनऊ के लिए डाला है। यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है आपकी कैटेगरी कौन सी। मेरी कैटेगरी जनरल है, हम डालते हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आप किसके लिए डालना चाहते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट की मल्टीटास्किंग, तो मैंने यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर दिया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको पूरा जो है रजिस्ट्रेशन का पेज भरना है। उसका यहाँ पे जो कैप्चा है, इस कैप्चा को आपको एज इट इज डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, उस सबमिट वाले बटन पे आपको जो है क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा आ चुका है, बगल में नाम आ रहा है। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा है तो यहाँ पे एक एड्रेस भी दिया हुआ है फॉर्म को। यहाँ पे फॉर्म अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे केवल आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बगल में गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ चुकी है। यहाँ पे आपको टोटल जो है 5 एग्जामिनेशन सेंटर लेने, तो मैंने 5 सेंटर लेने। तो पहला मैंने आगरा ले लिया है, दूसरा मैंने जो आप सेंटर जो है पैन इंडिया कहीं भी जो है ले सकते हैं, तो सेंटर लेना आपकी चॉइस है। दूसरा मैंने बरेली ले लिया है, तीसरा मैं जो है सेंटर जो है अपना आसपास का और देख लेता हूँ कहाँ पे है। तीसरा मैंने जबलपुर ले लिया है, चौथा मैं जो है सेंटर में बहुत ढेर सारे सेंटर है तो सेंटर मैंने बनारस ले लिया है। पांचवा मैं जो है प्रयागराज ले लेता हूँ, ये देख सकते हैं प्रयागराज। तो टोटल मैंने 5 सेंटर ले लिए। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, जैसे थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है जो एज है वो 17 फरवरी 2022 से जो है कैलकुलेट हो रही है। तो यहाँ पे मैं जो अपनी डेट डाल देता हूँ अपनी जो है, देख सकते हैं मैंने अपनी एज डाल दी। जैसी एज डालेंगे तो यहाँ पे आपका जो एज है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो देख सकते हैं मैंने जो एज डाल दी है, जैसे आपकी एज आएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं एज आपकी आ जाएगी 17 फरवरी 2023 को, आपकी एज कितनी होगी। यहाँ पे पूछा एक्स सर्विसमैन तो नहीं है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो नहीं है, 2002 राइट से प्रभावित तो नहीं है, एंटी सिक तो नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं है। आपके पास डोमिसाइल है जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको डोमिसाइल है तो आपको यहाँ पे यस करना, मतलब आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिस ऑफिस के लिए उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है कि नहीं, और ये डोमिसाइल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा। तो चलिए 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है, तो मैं अपने पिता का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट आपको अपनी माता का नाम डालना है, मदर नेम डाल देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप जो है एड्रेस डाल सकते हैं मकान नंबर सहित। देख सकते हैं मैंने अपना एड्रेस जो है डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है,
ये देखिए मैंने स्टेट डाल दिया, अपना जो है डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, अपना पिन कोड जो आपके एरिया का है वो पिन कोड डाल देना। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर देना, अगर अलग अलग है तो आप नो करके उस एड्रेस को भर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको छोटा सा सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना और आगे बढ़ना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज वगैरह आपको डालना है। सबसे पहले आपको क्लास 10 का डिटेल डालना है, क्लास 10 आपका किस बोर्ड से था, आपको जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था वो क्या था, साइंस कॉमर्स आर्ट जो भी था, आप कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं, सब्जेक्ट का नेम लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है, नेक्स्ट आपने जो कब जो इसको पास आउट किया है उसका पासिंग ईयर लिख देना है, यहाँ पे आपको जो परसेंटेज था कि सीजीपीए में था तो उस तरीके से आपको डालना है, और परसेंटेज था तो कितना परसेंटेज था वो आपको डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने परसेंटेज डाल दिया। इसी तरह आपको ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ अगर आपके पास है या इंटर है की डिग्री विग्री है तो सारी डिटेल्स आप इसको भर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पूछा आपका जो लैंग्वेज है वो मैंने हिंदी सेट कर ली है, एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फीस आपको बता दें, फीस 450 रुपये है, 50 रुपये इसमें जो पोर्टल का चार्ज ऐड है तो टोटल फीस जो है 500 रुपये आ रही है। अब आ गए हैं यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, लेकिन इसमें क्या आपको गाइडलाइन है वो बता दूँ, फोटो जो है आपकी कलर होनी चाहिए 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और सिग्नेचर जो है आपका सिर्फ ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा जो भी आप उसमें सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो ब्लू पेन से नहीं ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। अगर आपको फोटो सिग्नेचर लगाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमारी नई वेबसाइट सरकारी रिजल्ट डॉट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट की मदद से आप फोटो सिग्नेचर को साइज कर सकते हैं। अगर आप फोटो पे अपना नाम और डेट लिखना चाहे, हालांकि इसमें मांगा नहीं है, तो आप लिख भी सकते हैं, जेपीजी से पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल जेपीजी फाइलों से जो है आप सिंगल पीडीएफ कर सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है बहुत ही जल्द, इसमें हिंदी टाइपिंग टेस्ट भी आने वाला है, अपना रिज्यूम और सीवी बना सकते हैं इसमें बहुत जल्द, शादी के बायोडाटा यानी मैरिज बायोडाटा का भी ऑप्शन आने वाला है, उम्र कैलकुलेट कर सकते हैं, एज कैलकुलेटर, तो बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, आज उसको अपने बुकमार्क पे सेव कीजिए। वापिस चलते हैं अपने फॉर्म पर, तो फोटो सिग्नेचर हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है, अपलोड होने में अपलोड आ जाएगा लिख के, तो चलिए यहाँ पे जो कैप्चा है इस कैप्चा को एज इट इज जो है डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे जो है क्लिक करना है, उसके बाद प्रीव्यू करके फॉर्म चेक करना है और सबमिट करना है, तो प्रीव्यू पहले करते हैं फिर सबमिट करेंगे। जैसे हमने फॉर्म का प्रीव्यू क्लिक किया तो देख सकते हैं पूरा फॉर्म जो है प्रीव्यू होकर आ चुका है, प्रीव्यू पे फॉर्म को अच्छे तरीके से चेक करना है, अगर कुछ भी आपको लगता है कि गलत है तो उसको आपको पहले जो है टैब पे जाके सही कर लेना है, उसके बाद ही सबमिट करना है, लेकिन हमारा सब कुछ सही है, हम सीधा जो है सबमिट करते हैं। जैसे हम उसको सबमिट करेंगे बता दें इसमें जो है आपका जो है पेमेंट है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंक की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका पेमेंट ऑफलाइन करना है तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है जिसको मैंने मार्क किया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको उसका चालान निकालना पड़ेगा, उसके कैश या चेक के थ्रू आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जमा करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद ये फॉर्म आपका डन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।